तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास आज हीरो की इग्निटर बाइक है और इस बाइक में हम चेंज करने वाले चैन स्पॉकेट की बैरिंग। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चैन स्पॉकेट की बैरिंग जो है वो किस जगह पे लगी होती है और बैरिंग कितनी ज़्यादा ख़राब है वो आप लोगों को दिखाता हूँ और चेंज करना ज़रूरी की है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। तो ये देखो, ये है चैन स्पॉकेट की बैरिंग और इसमें प्ले देखो, इतनी ज़्यादा प्ले, कहीं पे भी आप लोग क्या, कहीं पे भी बाइक जाम हो सकती है, टूट गई तो बहुत ज़्यादा आवाज़ खतरा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये जो ये सब चेंज चेक करवाना बहुत ज़रूरी है सर्विस में। तो अभी मैं इस बाइक की जो सर्विस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा इस बाइक की जो बैरिंग है, जो स्पॉकेट वाली चैन स्पॉकेट वाली बैरिंग है, वो बैरिंग में प्ले बहुत ज़्यादा है। ये देखो, हाफ एक्सल वाला बोल्ट टाइट है फिर भी इतनी ज़्यादा प्ले है इस बैरिंग में। तो इस बैरिंग को हम क्या करते हैं, खोलते हैं, यहाँ से 23 नंबर का बोल्ट खोलते हैं और बैरिंग को निकालते हैं बाहर यहाँ से, और उसके बाद जो आप लोगों को दिखाते हैं। तो इस पॉकेट को हमने खोल दिया, ये इसकी पॉकेट, इसी में जो हमारी बैरिंग लगी होती है, तो बैरिंग को निकालते हैं और इसका जो हाफ एक्सल है वो बहुत ज़्यादा जाम है, ये देखो। तो इसको हथौड़ी से निकालना पड़ेगा, तो चलो इसको हम हथौड़ी से निकाल लेते हैं और उसके बाद जो आप लोग देखो बहुत ज़्यादा जाम है, ये देखो, इतनी हथौड़ी मारने के बाद भी नहीं निकल रहा, ये देखो बहुत ज़्यादा जाम है हाफ एक्सल। तो आप लोगों को बताएंगे हाफ एक्सल को भी फ्री कैसे करना है। ये देखो निकल गया हाफ एक्सल, उसको हमने हथौड़ी से निकाला है। तो यहाँ पे देखो जंग वगैरह कितना ज़्यादा लग गया है, बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है हाफ एक्सल में। तो इसकी जो बैरिंग है, बैरिंग ये है बहुत ज़्यादा जो प्ले, ये देखो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो इसको निकालते हैं पहले। तो इसको निकालने के लिए हमको यहाँ पे उल्टा रखना पड़ेगा, इस तरीके से उल्टा रखना पड़ेगा, इस साइड से हमारी बैरिंग निकलेगी बाहर। तो चलो हम बैरिंग को निकाल लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताते हैं इस बाइक में कितने नंबर की बैरिंग लगेगी इस पॉकेट वाली। तो हमारी इस पॉकेट की बैरिंग निकल गई है, ये है इसकी बैरिंग। अब पहले इसकी दिखाता हूँ सबसे पहले, ये देखो ये है इसकी बैरिंग और पहले इसमें ये देखो इतनी ज़्यादा ये हिल रही है, ये देखो बहुत ज़्यादा, ये देखो, ये देखो इससे जो बाइक में प्रॉब्लम होती है, बाइक पीछे से बबलिंग करती है। अगर बैरिंग ख़राब है आपके बाइक की तो बबलिंग करेगी पीछे से बाइक चलाने के टाइम पे। तो अभी इसको करते हैं चेंज। ये हमारे पास नई बैरिंग जो HCH कंपनी की बैरिंग है और जो इसका नंबर है ये देखो 6203 है इस पॉकेट नंबर। तो दोनों बैरिंग सेम है, ये देखो। तो चलो इसको हम लगाना कैसे वो आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले एक पतले पेचकस से यहाँ का कॉलर निकाल देते हैं इस तरीके से, ये कॉलर निकल गया, ये देखो ये कॉलर निकल गया। और अभी इसमें लगाना है आप लोगों को ग्रीस, ग्रीस बहुत ज़रूरी लगाना, क्योंकि जो कंपनी हमको ग्रीस लगा के बहुत कम देती है, बहुत कम, इतना कम देती है कि हमारी जो बैरिंग है वो जाम ना हो, सूखे ना इतना। तो अभी हम इसमें बैरिंग जो फुल बैरिंग में ग्रीस जो है वो फुल भर देंगे, क्योंकि हम नई बैरिंग लगा रहे हैं तो ग्रीस जो है वो फुल भरनी पड़ेगी हमको। तो हमारी ग्रीस भर गई, इसके बाद इसका जो कॉलर हमने निकाला था वो कॉलर वापस से बैठा देंगे, ये देखो ये बैठा दिया। अभी इसको बैरिंग को फिट करने के लिए हमारे पास ये जो यहाँ पे हम जहाँ पे बैरिंग बैठेगी यहाँ पे हल्की से ग्रीस लगा देंगे, ताकि हमारी जो बैरिंग वो बिल्कुल फ्री बैठ जाए। अब इसके बाद बैरिंग में उल्टा सीधा नहीं है, आप इधर से भी लगा सकते हो, उस साइड से भी घुमा के लगा सकते हो। और अब इसको हथौड़ी से हम बैठा लेते हैं इस तरीके से, हथौड़ी से हल्के हल्के हाथ से मार के बैठा लेना है, और उसके बाद यहाँ पे रख के एक कोई चीज़ भी ऐसे करके बैठा देना है मार के। तो हमारी जो बैरिंग वो बैठ गया, अब इसका हाफ एक्सल है, तो ये हाफ एक्सल इसमें लगाना है ग्रीस, इस तरीके से ग्रीस लगाना है, क्योंकि इसमें जंग बहुत ज़्यादा है, वो जंग जो है छूट जाएगा इसे। अगर आप लोग लगाओगे ग्रीस तो ग्रीस से क्या होगा कि आपका जो जंग लगा हुआ वो छूट जाएगा चलते चलते। तो अभी यहाँ से हम आपको हाफ एक्सल बैठा देना, थोड़ा सा थोड़ी मार के हाफ एक्सल को बैठा देते हैं, ये देखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पहले जाम था, अभी ये तो फ्री हो जाएगा, कुछ समय के बाद चलेगी जब बाइक तो फ्री हो जाएगा। तो अभी ये देखो हमारी जो स्पॉकेट बैरिंग होती है, बैरिंग लग गई, हाफ एक्सल लग गया, इसका जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट है इसमें भी ग्रीस लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें भी जंग लगा हुई है, जंग लगा हुआ है, तो इसमें भी लगा लेते हैं और इसको बैठाते हैं। देखो इसको इस तरीके से बैठाना है, यहाँ पर ये नीचे रहेगा, इस तरीके से ये बैठेगा, ये बैठ गया। और अभी जो हमारी स्पॉकेट बैरिंग है वो होती है कंप्लीट, फिटिंग कैसे करना वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया है, और कितने नंबर की बैरिंग लगेगी वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अभी ये जो हमारी स्पॉकेट बैरिंग है पुरानी वाली, ये वाली, इसका कॉलर निकालता हूँ पहले, दोनों साइड का कॉलर निकालता हूँ। इसकी जो हालत अभी तो आप लोगों ने कम देखी होगी, अभी इसके बाद देखना, ये देखो दोनों साइड का निकालते हैं कॉलर, उसके बाद देखना आप लोग, ये देखो ये इतनी ज़्यादा प्ले है इसमें, ये देखो, ये देखो जो इतनी प्ले नहीं रहनी चाहिए, ये देखो बहुत ज़्यादा। सर्विस करवा रहे हो तो बैरिंग की प्ले बहुत चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि बैरिंग अगर टूट गई या छर्रे वगैरह टूट गए तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों के साथ खर्चा ज़्यादा बैठ जाएगा। तो आप लोगों को बैरिंग सर्विस में ज़रूर चेक करवा लेना है। तो अभी ये बैरिंग पूरी ख़राब थी तो हमने चेंज कर दिया है,
तो चलो अब जो है इसकी स्पॉकेट जो है वो स्पॉकेट को फिटिंग करते हैं बाइक में फिटिंग करते हैं। उसके बाद इसमें जो प्ले है वो आप लोगों को दिखाते हैं, पहले फिटिंग कर लेते हैं। तो हमारी जो प्रॉपर स्पॉकेट फिटिंग हो चुकी है और ये बोल्ट हमने टाइट कर दिया फुल। और अब मैं आप लोगों को इसकी प्ले दिखाता हूँ। ये देखो जरा सी प्ले नहीं, ये देखो हल्की प्ले रहेगी पर ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। ये देखो बिल्कुल हल्की है, नॉर्मल, ज़्यादा नहीं है। तो और पहले जब हमने इसको खोला था दिखाया था आप लोगों को तो कितनी ज़्यादा प्ले थी, पूरी बबलिंग कर रही थी। तो बैरिंग हमने चेंज कर दिया, ये पड़ी पुरानी वाली बैरिंग, तो ये जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी बैरिंग तो इसीलिए हमने चेंज कर दिया। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आती है, 100-110 रुपये की आती है। तो अभी ये वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। अभी तक वीडियो का लाइक नहीं की हो तो प्लीज़ वीडियो का लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो मैं लाता रहूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।